नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी को पढ़ेंगे। जो अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं, महानुभाव, इन्होंने, ये कनाडा के रहने वाले थे और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया और इन्होंने ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा बल दिया है। दोस्तों, आज उनकी थ्योरी के विषय में विस्तार से आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है और हिंदी में बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। इनके अनुसार जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वो दो तरीके से घटित होता है। विकोरियस लर्निंग देखकर जो सीखता है, बंडूरा महोदय के अनुसार उसे विकोरियस लर्निंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कक्षा में, क्लासरूम में बच्चे शोर कर रहे हैं, शिक्षक अचानक आता है और सब बच्चे शोर कर रहे हैं, उसमें से एक बच्चे को पकड़ करके वो पीट देता है, तो उससे क्या होता है, एक ही बच्चे को दंड मिलता है लेकिन पूरी क्लास शांत हो जाती है। ये क्लास कंट्रोल का एक तरीका है। लेकिन अगर एक बच्चे को दंड मिला है तो उसकी वजह से उसे देख करके पूरी क्लास शांत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार, जब कोई शिक्षक किसी छात्र को उसके विशिष्ट व्यवहार के लिए पुरस्कृत करता है तो पूरी क्लास देख रही है, उसे देखकर पूरी क्लास मोटिवेट होती है कि हम भी इसी तरह व्यवहार करेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा, ये जो अधिगम होता है, ये जो लर्निंग होती है, इसे विकोरियस लर्निंग कहा गया है। और उन्होंने एक बोबो डॉल पर प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट। उसमें बहुत छोटा सा बच्चा है जो टीवी देख रहा है, उसके हाथ में बोबो डॉल दिया गया है और सेम बोबो डॉल टीवी में भी दिख रहा है। टीवी का बच्चा बोबो डॉल का हाथ तोड़ता है जो कि नकली है, तो उसे देख करके जो बाहर बच्चा देख रहा है वो भी बोबो डॉल का हाथ तोड़ देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वो बच्चा, जिसे सिखाया नहीं गया है, लेकिन वो देख करके उस बोबो डॉल का हाथ तोड़ता है और देख करके सीखने की प्रक्रिया घटित हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्बर्ट बंडूरा जी ने अधिगम के कारण बताए हैं, अधिगम के कारण बताए हैं। तीन कारण हैं। पहला है पर्यावरण, जिस माहौल से हम सीखते हैं, व्यवहार, जिस माहौल से सीखते हैं और व्यवहार में अपने परिवर्तन होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसकी वजह से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं और उसकी अंतर्क्रिया चलती रहती है। पर्यावरण की अंतर्क्रिया व्यवहार से होती है, व्यवहार की अंतर्क्रिया ज्ञान से होती है और ज्ञान की अंतर्क्रिया व्यवहार से होती है। कहने का मतलब यह है कि ये तीन कारणों से अधिगम घटित होता है, अधिगम की प्रक्रिया घटित होती है। आगे थ्योरी पर बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम के सोपान, कुछ भी देख करके, कुछ किसी भी तरीके का अनुकरण करके चार स्टेजेस में बच्चा सीखता है, अधिगम की प्रक्रिया होती है। अनुकरण के चार चरण अल्बर्ट बंडूरा साहब ने बताया है। इसके पहले जो महानुभावों ने थ्योरीज दी हैं, सोशल लर्निंग थ्योरीज दी है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज दी है, लेकिन उन सब थ्योरीज में ऑब्जर्वेशनल जो पार्ट था वो मिसिंग था। ऑब्जर्वेशन पर कोई ध्यान नहीं देता था, निरीक्षण पर कोई ध्यान नहीं देता था, इसीलिए इनकी थ्योरी भी इतनी पॉपुलर हुई, क्योंकि जो चीज़ें
पहले के वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने छोड़ दिया था, उस पर अल्बर्ट बंडूरा ने जो छूटा हुआ है उस पर रिसर्च किया, और अपने रिसर्च के माध्यम से उन्होंने बहुत ही रोचक तथ्यों को सामने लाए हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या बताया उन्होंने। उनके अनुसार पहला तथ्य है अटेंशन, अवधान। किसी भी चीज को, पढ़ाई में, अधिगम में, किसी भी चीज को हम ध्यान देंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो चीज सीख सकते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो लर्निंग, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो आगे नहीं बढ़ेगी। अवधान में बंडूरा साहब कहते हैं, निरीक्षण कर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक और सफल होना चाहिए। ऐसा मॉडल शिक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए कि जो रोचक हो। दूसरा है दोस्तों रिटेंशन। अब देख लिया, अवधान कर लिया, तो उसे धारण करना है। व्यक्ति व्यवहार को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। देखने के बाद उसे दिमाग में आत्मसात कर लेता है। अच्छा, देखने की, ध्यान से देखने की प्रक्रिया हो गई, अपने दिमाग में धारण कर लिया। अब प्रोडक्शन, तीसरी अवस्था प्रोडक्शन, पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं, धारण करने के बाद पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, मतलब उससे कुछ प्रोडक्शन बाहर आता है। चौथा है दोस्तों पुनर्बलन, मोटिवेशन, कि हमें ये फिर करने की जो है प्रेरणा मिलती है। जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पे उसे हम दोबारा नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिगम घटित होता है, इसी प्रकार से सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। पहले हम ध्यान देंगे, फिर उसे धारण करेंगे, पहले देखेंगे, फिर उसे अपने दिमाग में धारण करेंगे। धारण करने के बाद उससे प्रोडक्ट, उससे कुछ पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे कि हमें क्या सीखा है, और उसके बाद हमें ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि हम ये फिर चीजें, क्योंकि सीखने बार बार प्रयास करने पे, बार बार अभ्यास करने पर ही अधिगम घटित होता है। तो ये चार स्टेजेस अल्बर्ट बंडूरा ने बताए हैं। आगे उन्होंने अपने थ्योरी में दोस्तों बताया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्व व्यवहार परिवर्तन या स्व व्यवहार प्रभावशीलता, अपने स्वयं के व्यवहार को कैसे कंट्रोल करें, उसके विषय में तीन प्रकार बताए हैं अल्बर्ट बंडूरा ने। पहला है सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियंत्रण, स्वयं पर कैसे नियंत्रण करें। अगर हम अधिगम कर रहे हैं, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सब सिस्टमेटिक होना चाहिए। पहला क्या है, पहला स्टेज है उसमें गोल सेटिंग, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमें करना क्या है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है। सेकंड है दोस्तों उस एग्जाम की तैयारी के लिए सेल्फ प्लानिंग, सब कुछ स्वयं ही करना है, कोई आपको बताएगा नहीं। स्वयोजना, स्वयं ही प्लानिंग करना है, स्वयं ही योजना बनाना है। अगला है दोस्तों सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद ही उसे देखना भी है कि अगर हमने संडे को निश्चित किया कि इतना पार्ट पढ़ करके, उसके प्रश्न उत्तर याद करके, ये समझ के प्रैक्टिस करके रखना है, तो उतना होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो भी उस चीज को देखना है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो समय जा कहाँ रहा है। अगला है दोस्तों सेल्फ इंस्ट्रक्शन, स्व सूचना, वो अच्छा क्या गलतियां हो रही हैं, इस चीज को स्वयं ही सूचित करना चाहिए कि कहाँ, किस किस जो है समय कहाँ पर बर्बाद हो रहा है, उसे बर्बाद न किया जाए, और खुद ही अपने स्वयं को सूचना देंगे कि यहाँ पे हमें ये गलती की है, इसको नहीं गलती करना है आगे। और अंतिम है दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरणा, अगर हम सब नियमानुसार कर रहे हैं तो खुद ही मोटिवेट, वो भी स्वयं ही करना है। और दोस्तों ये सिर्फ अल्बर्ट बंडूरा के नहीं, ये पूरे जीवन में सेल्फ रेगुलेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गया सेल्फ रेगुलेशन। और दूसरा है दोस्तों सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी क्या है,
अगर समझिए एवरेज बच्चा है, वो सोच रहा है कि मैं अगर थोड़ा मेहनत करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, तो ये हाई एफिशिएंसी है। अच्छा, लो एफिशिएंसी में क्या होता है, एवरेज बच्चा है वो मान लेता है कि मैं कभी पास हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगी, लो एफिशिएंसी। मतलब वो पहले से ही ये मान के बैठा है, प्रयत्न तो करेगा ही नहीं, अगर प्रयत्न उसने कर भी लिया तो वो फेल हो जाएगा, इतना पक्का है, क्योंकि वो मान चुका है कि मैं पास नहीं हो सकता। तो दैट इज द सेल्फ एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा। अगला है दोस्तों तीसरा, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। अपने आप को मतलब उसने बार बार कोशिश की है और बार बार के नतीजों से उसने सीख लिया है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। जैसे पहली बार वो एग्जाम में बैठता है, फेल हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर वो प्रयास करता है दूसरी बार, फिर भी फेल हो जाता है, तीसरी बार फिर प्रयास करता है और फेल हो जाता है तीसरी बार भी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार अपनी गलतियों को सुधार भी रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। तो बार बार के असफलताओं से वो सीख लेता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए, दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए। और दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए, लर्न हेल्पलेसनेस ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ रेगुलेट, स्वयं पे नियंत्रण करके चीजें करनी है। गोल सेटिंग करिए, सेल्फ प्लानिंग करिए, सेल्फ मॉनिटरिंग करिए, सेल्फ इंस्ट्रक्शन करिए और सेल्फ मोटिवेट हो जाइए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम में बताया है, जो कि शिक्षक और छात्रों के लिए तो आजीवन जो है काम करेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया अल्बर्ट बंडूरा के विषय में कि अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में। अब उनका एजुकेशन इम्प्लीकेशन थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यही सब चीजें हम जब शिक्षा में उपयोग करेंगे वही उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन हो जाएगा, शैक्षिक निहितार्थ। तो पहला है दोस्तों, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। शिक्षक छात्रों को आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें कि इसी तरह आप बन सकते हो। महापुरुषों की कहानियां बताएं, उनके चरित्र बताएं और खुद भी उनमें परिवर्तन लाने की प्रेरणा दें। दूसरा है दोस्तों, बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दें, बैड बिहेवियर को उपस्थित न हो दे होने दे, उसे निग्लेक्ट करें। तीसरा है दोस्तों, स्वयं नियंत्रण की विधि अपनाएं। तो सेल्फ रेगुलेशन है, इस पर ज्यादा बल देना चाहिए। शिक्षक को जो बच्चे बार बार असफल हो रहे हैं उन्हें सेल्फ रेगुलेशन करने की उन्हें मतलब प्रेरणा दे और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। चौथा है दोस्तों, शिक्षक संदेश देकर अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर स्वयं प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। शिक्षक जो है उदाहरणों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन, स्व प्रभावशीलता, स्व व्यवहार परिवर्तन के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दे सकते हैं, उसके लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि अल्बर्ट बंडूरा महोदय जो कनाडा से ताल्लुक रखते हैं, इनके सामाजिक अधिगम के विषय में हमने जो है विस्तृत रूप से पढ़ा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।